शांति और सद्भाव है। कितना दिल को सुकून करने वाला यह मंच, इतने सारे लोग हैं। किसी भी तरह के अगर हम कार्यक्रम में जाते तो निश्चित तौर पर शोरगुल हल्ला होता रहता है, और जहां ईश्वर अल्लाह का चर्चा होता है वहां उन्नति प्रगति भी होता है। तो अगर श्रद्धा अगर होता है किसी धर्म के, तो हमारे माता बहने ज्यादा ईश्वर की श्रद्धा में लगे रहते हैं। और दबाएं बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। देखना शुरू कर दिया प्रकाश लाइव के प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। वही आपको बता दें कि अयोध्या में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में 9 दिवसीय राम महोत्सव का जो है कार्यक्रम का आयोजन कांटी क्षेत्र के सेरना में हुआ था। वही अंतिम दिन बिहार सरकार में मंत्री इसराइल मंसूरी भी पहुंचे और उन्होंने शांति का अनुभूति किया है, और उनका वीडियो जो है सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ईश्वर और अल्लाह भगवान है, और कई बड़ी बातों को कह रहे हैं। आगे क्या कुछ कह रहे हैं खुद सुनिए। और सबसे तो महत्वपूर्ण है, आप यहाँ तमाम माताएं बहनें अभिभावक बुजुर्गों श्री राम कथा महोत्सव में शामिल होकर श्री राम जी के जीवन पुरुषोत्तम राम थे, पुरुषों में उत्तम, और कितना शांति और सद्भाव है, कितना दिल को सुकून करने वाला यह मंच, इतने सारे लोग हैं। किसी भी तरह के अगर हम कार्यक्रम में जाते तो निश्चित तौर पर शोरगुल हल्ला होता रहता है, लेकिन मेरा मानना है कि ईश्वर का जहां, ईश्वर की जहां चर्चा होगी, ईश्वर का जहां कथा होगा, वहां शांति और सद्भाव और अमन निश्चित तौर पर होगा। तो हम तो आयोजक मंडल को हृदय से धन्यवाद देना चाहेंगे कि बड़ी अच्छा आपने यह कार्य किया है, और जहां ईश्वर अल्लाह का चर्चा होता है वहां उन्नति प्रगति भी होता है, वह समाज में सुदृढ़ होता है और अधर्मों का नाश होता है और धर्म पर लोग चलते हैं। तो ये बड़ी ही खुशी का बेला है, और मुझे इस अवसर पर आयोजक मंडल के द्वारा बुला करके जो मुझे सम्मान दिया गया है, ये भूलने लायक नहीं है, ये बहुत ही गर्व की बात है हमारे लिए। आप तमाम आयोजक मंडल को हम सहृदय धन्यवाद देते हैं, और इसी तरीके से हम चाहेंगे कि और जगह भी होता रहे, कहीं भी ईश्वर का जाप होता है, ईश्वर की कथा होती है, वहां सुख समृद्धि कायम होता है। और हम देख रहे हैं कितना श्रद्धा हमारी माताएं बहनों की है, और पुरुष लोग तो इधर उधर भी करते रहते हैं, लेकिन ईश्वर में अगर श्रद्धा अगर होता है किसी धर्म के, तो हमारे माता बहने ज्यादा ईश्वर की श्रद्धा में लगे रहते हैं, और इन्हीं लोगों के पूर्ण प्रताप से समाज में शांति और अमन और व्यवस्था भी रहता है, और समाज के जो बच्चे हैं, जो भविष्य होते हैं, वो सबसे ज्यादा इन्हीं लोगों की सेवा होती है। यही लोग जो है दुनिया में आज जो भी है, इन लोगों की देन है। तो हम तो चाहेंगे, और जिस संख्या में है उपस्थित इस सर्द के मौसम में, हम यही कामना करेंगे कि श्री राम जी आप तमाम लोगों को हृदय की जो मुराद है उनकी पूरा करें, और श्री राम जी पूरे कांटी विधानसभा क्षेत्र सहित बिहार और देश में अमन शांति और सद्भाव रखे। हम यही कामना करते हुए आप तमाम श्रद्धालुओं की आपकी मनोकामना पूरी हो। जय हिंद जय बिहार। कि आपने सुना कि बिहार सरकार में मंत्री इसराइल मंसूरी ने साफ तौर पे कहा कि सबसे ज्यादा महिला जो है पूजा अर्चना करती है, और कई बड़ी बातों को उन्होंने कहा है। कैसा लगा खबर वो भी कमेंट करके बताइएगा। तब तक ले जा दीजिए। जय हिंद जय भारत।